तो भाई लोग, कल की 2898 एडी की तरफ से कल रात को ही एकदम ताजा ताजा रिलीज कर दी गई है अमिताभ बच्चन एज अश्वत्थामा का एक लुक। वीडियो 1 मिनट से थोड़ी ज्यादा है और ज्यादा कुछ दिखाया तो नहीं है, बट जो दिखाया है ना, 1100 करोड़ कंफर्म है वर्ल्ड वाइड 100%। आगे वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में और इसके पीछे पुराणों का क्या तथ्य है, महाभारत से क्या इसका लिंक है। बट उससे पहले अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपका ये छोटा सा सपोर्ट हमारे चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत हेल्प करती है। तो वीडियो शुरू करें। ग्लिम्स की शुरुआत होती है एक केव टेंपल से, जहां पर हमें अमिताभ बच्चन दिखते हैं शिवलिंग के सामने मेडिटेट करते हुए। वही पीछे से एक बच्चा आता है जिसका नाम राया है और वो उनसे उनका नाम पूछता है। और तभी फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है अमित जी एज अश्वत्थामा। डी एजिंग की टेक्निक बहुत अच्छे से यूज की गई है। यहाँ पर अश्वत्थामा के सर पे जो मनी दिख रही है ना, इसे अच्छे से नोटिस कर लेना, क्योंकि आगे इसके बारे में हम बात करेंगे। ना बच्चा भी मन का सच्चा एक के बाद एक सवाल पूछते जाता है अमित जी से। बच्चन साहब को केबीसी उल्टी पड़ गई, ताला लगा दें। फिर सुनने मिलता है बिग बी का वो बिग बेस वाला आवाज, जहाँ पर वो रिवील करते हैं कि वही है अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र। द्वापर युग से वो दशावतार यानी कि 10वें अवतार कल्कि का वेट कर रहे हैं। अब आते हैं मनी वाले प्रसंग पर। महाभारत के अनुसार जन्म से ही अश्वत्थामा के सर पर एक मणि थी, जिससे उसे भूख प्यास किसी भी तरह की डिजीज, अस्त्र शस्त्र, देवता दानव गंधर्व सबसे सुरक्षा प्राप्त थी। कुरुक्षेत्र की युद्ध के अंत में जब दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है, तब अश्वत्थामा, जिनके पिता द्रोणाचार्य को भी छल से मारा गया था, वो कृतवर्मा और कृपाचार्य के साथ एक योजना बनाते हैं। क्योंकि उस समय पांडव शिविर पे नहीं थे, इसीलिए वो लोग ऐसा प्लान बनाते हैं कि रात में वो लोग शिविर में जाएंगे और वहां जाकर पांचाल के जितने भी योद्धा है या फिर पांडवों की तरफ से जितनी भी योद्धा है शिविर में रहेंगी, उनको ये 3 लोग जाके खत्म कर देंगे। और ऐसे अश्वत्थामा लेगा अपने पिता और दुर्योधन के मृत्यु का बदला। ऐसा पूरा प्लान बनाने के बाद जब रात को ये 3 पांडवों के शिविर में एंट्री लेने जाते हैं, तब अश्वत्थामा जो देखता है उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां पर एक अति भयानक पुरुष खड़े हुए थे जो पांडवों की शिविर की रक्षा कर रहे थे। उनके सर में जटा थी, गले में सांप था और उन्होंने व्याघ्र चर्म यानी कि टाइगर स्किन लपेटी हुई थी। भगवान शंकर स्वयं पांडवों की शिविर की रक्षा कर रहे थे। अश्वत्थामा तो मूर्ख है, उसे पता भी नहीं था कि वो कौन है, तो वो ऐसे अस्त्र शस्त्र लेकर उनको अटैक करने चला गया। उसने गदा से वार की, उसने तलवार से वार की, उसने भयानक भयानक अस्त्र शस्त्र से उन पर अटैक किया, पर सारा अस्त्र जाकर भगवान शिव में विलीन हो गया। अश्वत्थामा को जब पता चला कि उसका अंत निकट है, वो सीधा शिव जी की स्तुति करने लग जाता है और अपने आप को आग में झोंक देता है शिव जी के सामने। तब शिव जी उसकी इस तप से प्रसन्न होकर उसे देते हैं एक खड्ग यानी एक स्वॉर्ड और खुद अश्वत्थामा के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। वैसे अश्वत्थामा को रुद्र का अवतार भी माना जाता है और जब शिवजी उसके अंदर आ गए तो उसका वो रुद्र रूप जाग जाता है। उसके बाद जो होता है सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। अश्वत्थामा अपने हाथ में खड्ग और अस्त्र शस्त्र लेकर पांडवों की शिविर में प्रवेश करता है। पहले वो जाता है धृष्टद्युम्न के शिविर में, जिसने उसके पिता का वध किया था। अब रात बहुत गहरी थी और युद्ध के बाद सब थक कर सोए हुए थे। अश्वत्थामा सीधा जाता है धृष्टद्युम्न के पास, उसे एक लात मार कर जगाता है। ऐसे अध सोए धृष्टद्युम्न को बालों से पकड़कर घसीटते हुए ले जाता है। धृष्टद्युम्न आँख खोलते ही अपने सामने काल जैसे अश्वत्थामा को देखकर बहुत ही डर जाता है। जब वो चीखने जाता है तो अश्वत्थामा अपने पैर से उसका गला दबा देता है। छटपटाते हुए धृष्टद्युम्न कहता है कि गुरुपुत्र अश्वत्थामा, अपने खड़ग से मेरा अंत कर दो अभी। पर अश्वत्थामा कहाँ मानने वाला था, वो एक भी नहीं सुनता और धृष्टद्युम्न को वैसे ही गला घोट कर मौत के घाट उतार देता है। वहां पर जितने भी स्त्री थे वो अश्वत्थामा के इस रूप को देखकर उसे दानव मान के वहां से भाग जाते हैं। जाकर और भी योद्धा को बुलाते हैं और जब वो योद्धा अश्वत्थामा को मारने आते हैं तो अश्वत्थामा अकेले ही उन सबको मार देता है। फिर एक के बाद एक शिखंडी, उत्तमोज्जा, युधामन्नु जैसे बड़े बड़े पांचाल के वीर और योद्धाओं का अश्वत्थामा के हाथों ऐसे ही ब्रूटली मर्डर होता है। खून में लिपटा हुआ अश्वत्थामा अपने रथ में सवार होकर हाथ में खड़ग लिए यहाँ वहां ढूंढता फिरता है द्रौपदी के पुत्रों को। और जब द्रौपदी के 5 पुत्र मिल जाते हैं तो अश्वत्थामा उन सबको मार देता है, यहाँ तक कि उनके पुत्रों को भी मार देता है। अब जिन योद्धाओं ने भागने की कोशिश की, बाहर खड़े हुए कृपाचार्य और कृतवर्मा उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं।
अब अगले दिन पांडवों को जब ये सब पता चला तो बहुत ही क्रोधित हो गए। द्रौपदी ने कहा उन्हें अश्वत्थामा के सर की वो मनी चाहिए एज अ रिवेंज। बट इतना आसान नहीं था, क्योंकि अश्वत्थामा को जब पता चला कि पांडव उसे ढूंढते हुए आ रहे हैं तो वो ऋषि व्यास के आश्रम में छुप जाता है। दूर से जब वो देखता है कि पांडव श्री कृष्ण को लेकर उसे ढूंढते हुए आ रहे हैं तो वो एक तिनके को लेकर उसे ब्रह्मास्त्र का संकल्प करके उन पे छोड़ देता है। जब अर्जुन देखता है कि उनकी तरफ ब्रह्मास्त्र आ रहा है तो उसने भी ब्रह्मास्त्र का संकल्प करके उसे सामने वाले ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए छोड़ देता है। दो ब्रह्मास्त्र अगर आपस में टकरा जाए तो उसका परिणाम बहुत ही भयंकर हो सकता है, मतलब पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। तो व्यासदेव दोनों ब्रह्मास्त्रों के बीच में आकर उन दोनों को रोक देते हैं। परिणाम कितना भयानक हो सकता था यह व्यासदेव जानते थे, तो इसीलिए उन्होंने अर्जुन और अश्वत्थामा दोनों को अपना ब्रह्मास्त्र लौटाने के लिए बोला। अब अर्जुन तो अपना ब्रह्मास्त्र लौटा लेता है क्योंकि उसे वो मंत्र पता थी, पर अश्वत्थामा इतना मूर्ख है उसे लौटाने का मंत्र भी पता नहीं था और उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अश्वत्थामा उस ब्रह्मास्त्र का डायरेक्शन चेंज करके उत्तरा के गर्भ में निहित कर देता है, जहाँ पांडवों के उत्तराधिकारी परीक्षित पल रहा था। कितना शैतान है, देख रहे हो। तब आते हैं भगवान श्री कृष्ण, जो अश्वत्थामा से उसकी मनी तो ले ही लेते हैं और उसे ये अभिशाप भी देते हैं कि उसे सृष्टि के अंत तक पृथ्वी में विचरण करना होगा। जहाँ पर उसकी मनी थी वहाँ पर एक घाव होगा और उसकी पूरी बॉडी से दुर्गंध निकलेगा, कोई भी उसके पास नहीं आएगा और उसे ऐसे छुप छुप के अपनी जिंदगी बितानी होगी। तो पांडव मनी लेके जब द्रौपदी के पास आती है तो द्रौपदी उसे युधिष्ठिर के मुकुट में लगा देते हैं। इतना सारा ज्ञान मैंने इसलिए दिया क्योंकि इफ यू नोटिस प्रॉपरली एंड के इस सीन में अमिताभ बच्चन के सर पे वो मनी दिख रही है, पर ये मनी अश्वत्थामा के पास नहीं थी जैसे कि पिछले सीन में भी दिख रही है। यहाँ पर टाइम स्किप तो जरूर हुआ है, पर ये मनी अश्वत्थामा के पास वापस कहाँ से आई, दैट रिमेन्स द मिस्ट्री। यहाँ पर मॉडर्न और प्राचीन दोनों भाषाओं का एक कॉम्बिनेशन यूज किया है, जहाँ पर बच्चा तेलुगु और हिंदी और इंग्लिश में बात करता है, पर अमित जी एकदम प्राचीन शुद्ध हिंदी में बात करते हैं। तो एक प्रवीण और नवीन का एक कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है जो बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखो हाइप तो बहुत ही बढ़ गई है, ये लोग क्या बाकी चिरंजीवियों का भी ऐसा ही ग्लिम्स निकालेंगे। इस वीक तो शायद प्रमोशन ऐसे ही चलती रहेगी, तो शायद से बाकी चिरंजीवियों का भी ग्लिम्स देखने को मिले, देखते हैं क्या होता है। इससे उम्मीदें तो बहुत ही बढ़ गई है। फिलहाल हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। अश्वत्थामा और बच्चों का पास कुछ अच्छा नहीं रहा, इसलिए बच्चों को तो दूर ही रखो इससे।